वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पर। दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसीज के बारे में। रेलवे में जो है आप काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं कि सर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का जो वैकेंसीज है कब तक आने वाला है, तो उसी की रिगार्डिंग जो है आज हम इस वीडियो में आपसे जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है वह है कि वैकेंसीज चाहे रेलवे की हो चाहे DSSB की हो, ठीक है, या फिर एम्स की हो या किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, ठीक है, तो जब आ जाए तभी मैं मानता हूँ कि हाँ भाई वैकेंसी आ गई। संभावनाएं तो बहुत सारी है, वैसे तो बहुत सारी यूट्यूब वाले हैं जो बता रहे हैं कि पैरामेडिकल की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, NTPC की जो है ग्रुप डी की वैकेंसीज और गुड्स गार्ड की, TC की वगैरह की, इनकी भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और संभावना तो लग रही है कि आ सकती है, लेकिन मैं तो तभी मानता हूँ जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए। जैसे कि RPF की वैकेंसी जो है जारी हो चुकी है कॉन्स्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो संभावना तो बन रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है आपको पैरामेडिकल की वैकेंसी देखने को मिल जाए, जिसमें आपके फार्मासिस्ट की भी रहेगी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की भी रहेगी, स्टाफ नर्स की, रेडियो टेक्नीशियन की और जितनी भी वैकेंसी होती है, ठीक है, रेलवे के हॉस्पिटलों में, तो वो सारी वैकेंसी जो है पैरामेडिकल भर्ती के अंतर्गत आती है, तो वो जारी हो सकती है। तो अभी आपको हाल फिलहाल करना क्या है कि वैकेंसी तो आए या नहीं आए, प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, ठीक है, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के वैकेंसी आ भी जाएगी ना और आप बिना प्रिपरेशन के एग्जाम देंगे तो फिर वो आना नहीं आना बराबर है। जैसे कि अभी DJHS में हो, DJHS में बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दिए और उनके सिलेक्शन नहीं हुए, और वो वैकेंसी आप दोबारा तो नहीं आएगी क्योंकि वो आज से निकल गई, तो ऐसा सीन जो है आपके साथ रेलवे में ना हो, ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन जो है, मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी किसी भी डिपार्टमेंट की हो तो वो आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको प्रिपरेशन एडवांस में करके रखनी है। तो उसके लिए जो है काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी बुक कब तक आएगी, ठीक है, कोशिश हमारी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। एक तो बुक तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही सही, ठीक है, दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट का भी जो है काम चल रहा है, प्रैक्टिस सेट जो है आपको लगभग DSSB के अकॉर्डिंग रहेंगे। DSSB में जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, GK आती है, उसके अलावा जो है आपके 100 क्वेश्चन जो है हेल्थ इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड आते हैं। तो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम आपके लिए 25 प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। 25 प्रैक्टिस सेट का मतलब होगा 25 × 200 क्वेश्चंस, तो कितने होंगे 25 × 200, 5000 के आसपास जो है आपके MCQs हो गए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर भी जो है आपके कोई मैटर जो है आ सकता है। और अभी DJHS का एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा बुक से कितने क्वेश्चन आए, लगभग 42 क्वेश्चन में से आपके जो है 30 क्वेश्चन के आसपास जो है बुक से ही आ गए थे। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं कि आपने बुक पढ़ी उसमें से कितने क्वेश्चन आप याद रख पाए, एग्जाम टाइम पे आप क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूजन हुआ नहीं हुआ, तो ये चीजें मैटर करती है सिलेक्शन में, ठीक है। अगर आप श्योर हैं हर क्वेश्चन के प्रति, ठीक है, और आपने वहां पर कन्फ्यूज नहीं है तो आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि आपको क्वेश्चन आता था लेकिन आप वहां पर 8-10 क्वेश्चन ऊपर नीचे जो है कन्फ्यूजन में गलत हो गए तो सिलेक्शन रुक जाता है, सिंपल सी बात है। तो इन चीजों को आपको अभी से पढ़ेंगे तब जाकर के आपके माइंड में जो है ना हर एक क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती वो दूर हो जाएगी। सिलेक्शन लेने का जो है एक और अच्छा बेहतरीन तरीका यह है कि आपको एक ही चीज से पढ़ना है, मतलब एक ही बुक से पढ़ना है, जिसका भी पढ़ना है एक ही बुक से पढ़ना है, किसी भी बुक से पढ़ो आप एक ही बुक से पढ़ना है, वो कंप्लीट हो जाए तो उसका रिवाइजन करना है, ठीक है, दूसरी बार हो जाए तो तीसरी बार पढ़ना है, तब जाके चीजें जो है माइंड में सेट हो पाएगी। पढ़ने का तरीका यह होता है आप सोचे कि मैं इनकी भी पढ़ लूँ, मैं दूसरे की भी पढ़ लूँ, मैं तीसरे की पढ़ लूँ, मैं चौथे की भी पढ़ लूँ, मतलब चार किताबें आ रही अलग अलग राइटर की, तो चारों की आप पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे और जब एग्जाम देंगे तो वहां पे भी आप कन्फ्यूजन ही होंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो जिसकी भी पढ़ो एक ही राइटर की, एक ही पब्लिशर की पढ़ो अगर आपको सिलेक्शन वास्तव में लेना है तो। क्योंकि होता क्या है कुछ चीजें जो है हमारी में दे रखी है, ठीक है, दूसरे में जो है हो सकता है उनकी में मिस्टेक हो तो वो कन्फ्यूजन पैदा करती है, उन चीजों से जो है आपको बचना है तब जाकर के आप सिलेक्शन निकाल पाएंगे। तो अभी मान लीजिए कि रेलवे की वैकेंसी आ जाती है, जैसे कि जनवरी चल रहा, जनवरी लास्ट में या फरवरी में आपके वैकेंसी आ जाती है या मार्च में आ जाती है, तो फिर आपको पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा, एटलीस्ट आपकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना।
तो उसके लिए जो है फाइनली स्टेज पे जो है बुक में हमने और भी मैटर ऐड किया है, ठीक है, और भी प्रेशर क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं और प्रैक्टिस सेट का जो है काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बुक तो आपको जो है लगभग फरवरी में मिल जाएगी, ठीक है, बुक आपको फरवरी से मिल जाएगी। जनवरी में पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, प्रिंटिंग वगैरह सब हो जाएगी जनवरी जनवरी में, और फरवरी में जो है आपको बुक मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट जो है आपकी जब वैकेंसी ज़्यादा आएगी उस टाइम पे हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये मैटर काफ़ी है, हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आए, चाहे वो रेलवे में आए, चाहे DSSB में आए, चाहे फिर वो एम्स में आए या अदरवाइज किसी भी यूनिवर्सिटीज में या किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किसी भी स्टेट की वैकेंसी, जो सबके लिए जो है सिलेबस जो ट्रेड की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए तो काफ़ी बेस्ट रहेगा अपना ये कंटेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अभी और भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फैकल्टी मिल जाए अच्छी सी तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर ही जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने की सोच रहे हैं हेल्थ इंस्पेक्टर की। बहुत सारे लोग हैं जो दुकान खोल करके बैठ गए हैं हेल्थ इंस्पेक्टर की कोचिंग के नाम पे, ठीक है। आता जाता कुछ नहीं, थोड़ा कंटेंट इधर से लिया, थोड़ा इधर से लिया, आपने देखा होगा दो चार होशियार बन रहे हैं, ठीक है, अपनी ही बुक का मैटर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं और आता कुछ नहीं खुद को, ठीक है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं दूसरे का कंटेंट जो है चोरी करके, वो आपको भी पता है सबको पता है, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचें, क्योंकि वो चीज़ आप बुक से जो एक क्वेश्चन पेपर जो है 20 मिनट पढ़ पाएंगे उसको वो जो है 4 दिन तक अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहेंगे, कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो 4 दिन आपके बेस्ट कर दिए उसने, 4 दिन में तो आप जो है लगभग 10 से 12 चैप्टर खत्म कर देंगे बुक के। तो इन चीज़ों को आपको मैनेज करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको प्रेशर पेपर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे जो है अपनी इस बुक में आपको मिल जाएंगे। पहले 34 पेपर थे, इस बार जो है सारे पेपर ऐड होकर के 40 पेपर हो जाएंगे, जिसमें अभी लेटेस्ट में जो एग्जाम लगे हैं एम्स ऋषिकेश का, एम्स भुवनेश्वर का, उसके अलावा जो है DGHS वाला, और उसके अलावा जो है दो चार यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम लगे वो भी, तो वो सारे मिलाकर के जो है ना अब आपके 6 पेपर और इंक्लूड हो रहे हैं तो 40 पेपर हो जाएंगे। तो 40 पेपर को अगर आप पढ़ेंगे, 1 घंटे में एक पेपर आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा ना, और उसी 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन यूट्यूब पे कराने के लिए जो है 4-5 घंटे खा जाएगा कोई सा भी यूट्यूबर हो, ठीक है, तो वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, थ्योरी मैटर जो है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे जो है आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि फैकल्टी मिल जाए अच्छी सी, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना टाइम का मैनेजमेंट, ठीक है, नौकरी का मैनेजमेंट, नौकरी कर रहे हैं तो साथ में आपको पता ही कि दिक्कत रहती है टाइम मैनेजमेंट करने में। तो कहाँ से स्टार्ट करें, जयपुर से करें या दिल्ली से करें, वो चीज़ें जो है ना अभी मैटर कर रही है, जो है व्यवस्था बैठ नहीं पा रही, अगर बैठ जाएगी तो हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी हेल्थ इंस्पेक्टर स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई प्रिपरेशन वगैरह करवाते नहीं है, वैसे प्रिपरेशन ऑनलाइन की मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक में हमने सारा मैटर कवर किया हुआ है, सारा का सारा मैटर कवर किया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं। वही चीज़ जो है ना यूट्यूब पे जो है ना कुछ लोग कॉपी करके जो है ना बेच रहे हैं 1000 रुपये में, 1500 रुपये में, तो उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि जो चीज़ किताब में है वही आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुद को कुछ नहीं आता तो एक्सप्लेन क्या करें। तो रेलवे की वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, DSSB की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आपको एडवांस में जो है प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जो है यहाँ पर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। और 2024 की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत दिनों बाद जो है मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है बुक के काम से जयपुर गया हुआ था और अभी 1-2 दिन पहले ही आया हूँ, तो मैं यूट्यूब पे लाइव भी नहीं आ पाया, वीडियो बना करके आप लोगों को शुभकामनाएं भी नहीं दे पाया, आपसे बात भी नहीं कर पाया, लेकिन अब बहुत जल्द नए साल पे बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोगों को, और हमें भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सभी भाई जो है अपने करियर में जो है सफल हो, जल्दी से सभी नौकरी लगे, और 2024 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, रेलवे की वैकेंसी जाए, DSSB की वैकेंसी जाए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी जाए, तो आप सबकी नौकरी उनमें लगे। थैंक यू।